सभी किसान भाइयों को नमस्कार और सभी किसान भाइयों को स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। भाइयों, ये दोनों ट्रैक्टर सेम HP कैटेगरी के हैं, दोनों 50 हॉर्स पावर के ट्रैक्टर हैं। एक जॉन डियर 50-50D फोर व्हील ड्राइव और यूवो 585 मैट मॉडल फोर व्हील ड्राइव। भाइयों, ये दोनों ट्रैक्टर सेम HP के होने के साथ साथ इसमें जो टायर साइज है दोनों ट्रैक्टर्स में वो भी सेम है। जॉन डियर ने अपना ये ट्रैक्टर अभी हाल ही में नए फीचर्स के साथ, नए अपडेट के साथ लॉन्च किया है, जिसमें कि इसमें जो इसने अपडेट किए हैं उसमें एक तो इसके जो फ्रंट टायर्स हैं, पहले ये 8-18 के आते थे, अब फ्रंट टायर 9-5-20 के कर दिए हैं। और डीजल कूलर पहले जॉन डियर में नहीं आता था इस मॉडल में, और अब डीजल कूलर भी इसमें कंपनी देने लगी है। भाइयों, पहले आप देख सकते हैं कि यहाँ पर डीजल फिल्टर एक ही है, पहले दो डीजल फिल्टर आते थे, अब एक डीजल फिल्टर है। भाइयों, ये 50 HP का ट्रैक्टर है और इसकी जो PTO HP है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 42.6 यानी 42.6 इसकी PTO HP और SFC भी आपने प्लेट पर देख ही लिया होगा। भाइयों, आज दोनों ट्रैक्टर इस खेत में चल रहे हैं, एक 5 फाल की लोहिया पे, जिसको मिट्टी पलटा हल भी बहुत जगह बोला जाता है, हमारे यहाँ लोहिया बोला जाता है इसको। और दूसरा ट्रैक्टर उस लोहिया के साथ साथ लोहिया के पीछे पीछे हैरो लगाएगा। भाइयों, ये महिंद्रा 585, इसके भी टायर साइज सेम है, लेकिन फ़र्क इतना है कि इसके टायरों में भी पानी भराया जा चुका है और आगे वेट भी लगा हुआ है, हैवी बम्पर भी लगा हुआ है। उस ट्रैक्टर में जॉन डियर में भी बम्पर तो लगा हुआ है लेकिन टायरों में पानी नहीं भरा है। अब इनकी परफॉर्मेंस देखते हैं भाइयों। भाइयों, महिंद्रा 585 नोनो डिस्क 18 तवे के हैरो पे चल रहा है और अभी देखिए ये टू व्हील ड्राइव पर चल रहा है, इसको फोर व्हील ड्राइव पे लगवाएंगे। भाइयों, पूरी एक सीरीज आने जा रही है हमारे चैनल पे, जिसमें आपको ये बताया जाएगा कि फोर व्हील ड्राइव के क्या क्या फ़ायदे आपको मिल सकते हैं। और जो टू व्हील ड्राइव ट्रैक्टर 65 हॉर्स पावर या 60 हॉर्स पावर का काम नहीं, 60 हॉर्स पावर का ट्रैक्टर काम नहीं कर पाएगा, वो 50 हॉर्स पावर का ट्रैक्टर फोर व्हील ड्राइव करवा के दिखाएगा आपको। भाइयों, ये फोर व्हील ड्राइव पर चलने जा रहा है। फोर व्हील का फ़ायदा यह है कि देखिए आप, बिल्कुल कम RPM पे भी एक भी स्लीपेज नहीं आ रही है और नॉर्मल स्पीड में ट्रैक्टर आराम से चलते हुए जा रहा है नॉर्मल RPM पे, और हैरो ठीक ठाक खुली हुई भाई, जैसा कि किसान भाई सामान्य तौर पर जुताई करते हैं आप देख सकते हैं। भाइयों, जब भी आप जुताई करें खेत की, दिन की अच्छी धूप में करें, मैं बार बार अपने सभी किसान भाइयों को ये बताता रहता हूँ, जिसका सबसे बड़ा लाभ है जो खेत में कीट होते हैं, पक्षी उन कीटों को खा लेते हैं, और जो ज़मीन हमारी ख़राब हो रही है, कीटनाशक का बहुत प्रयोग करना पड़ता है, वो धीरे धीरे कम हो रहा है। भाइयों, ये जॉन डियर 50-50D है जो लोहिया हल पर चल रहा है। भाइयों, किसी भी ट्रैक्टर के जो सबसे महत्वपूर्ण कार्य होता है वो होता है खेत की जुताई करना, और खेत की जुताई में जो सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है वो यह देखा जाता है कि कम समय में, कम खर्चे में अधिक और बेहतर काम कौन सा ट्रैक्टर करके दे सकता है। भाइयों, इतनी डीजल महंगा होता जा रहा है, तो उसके लिए सबसे अच्छा यह है कि कौन सा ट्रैक्टर कम डीजल में अधिक काम करके देता है, यह बहुत ही महत्वपूर्ण किसान भाइयों हमारे आपके लिए हो जाता है। भाइयों, हो सकता है आपको वीडियो में ना मालूम पड़ रहा हो, लेकिन इतनी अच्छी और गहरी जुताई कर रहा है, लगभग 1 फिट की जुताई कर रहा है, क्योंकि आपको दिखाएंगे जो लड़का नाप रहा है उसकी कोहनी तक जुताई हो रही है। भाइयों, बहुत इतना हल खींचना है लखीमपुर खीरी के तराई क्षेत्र में, जहाँ पर चिकनी मिट्टी है और बहुत हार्ड मिट्टी होती है। भाइयों, ये यहाँ पर हल खींचना कोई आसान काम नहीं है किसी भी ट्रैक्टर के लिए। भाइयों, फोर व्हील ड्राइव गियर इसका डिसंगेज है, मतलब टू व्हील ड्राइव पर चलाकर दिखाएंगे आपको। देखिए भाइयों, आप देख सकते हैं, और अब फोर व्हील पर चलवाएंगे। एक साधारण सा देखिए
कितना बड़ा देखें, खिंचाव में भाइयों लगभग डेढ़ गुने का फर्क पड़ जाता है। वही सेम ट्रैक्टर उसी हल पर, उसी खेत में, उसी लिफ्ट की सेटिंग पर चल रहा है और फर्क पड़ जा रहा है भाइयों। फोर व्हील ड्राइव में आगे फ्रंट में वेट होना बहुत जरूरी है और टायरों में पानी होना बहुत जरूरी है भाइयों। इस ट्रैक्टर के भी ना तो टायरों में पानी भरा हुआ है और आगे लगभग 1 क्विंटल 75 किलो, मतलब 175 किलो का वजन है, इसलिए टायर में हल्की हल्की स्लिपेज आ रही है। अभी इसकी परफॉर्मेंस बिना पानी भरवाए हुए, आगे जो वीडियोज़ आएंगी उसमें पानी भरवाने के बाद भी इसकी परफॉर्मेंस की वीडियोज़ आपको मिलती रहेंगी। भाइयों चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और बताइए कि किस हल पर इस ट्रैक्टर की वीडियो आप देखना चाहते हैं। बिल्कुल नया ट्रैक्टर है भाइयों। धन्यवाद।